बालाघाट जिले में नक्सल प्रभावित गोदरी चौकी अंतर्गत जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस के एक जवान के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। एसपी ने घटना की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लगातार पुलिस जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे, तभी नक्सलियों से उनका आमना सामना हो गया है। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है, जिसमें एक पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। जवान घायल अवस्था में गोदिया के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जो फिलहाल सुरक्षित है। एसपी ने जानकारी दी है, ये संभवतः मलाजखंड और टड़ा दलम के नक्सली हैं, जिनकी संख्या 10 से 12 हो सकती है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट। मामला है क्या है? आज हमारे यहाँ गोदरी चौकी से और अन्य तीन चौकियों से जो प्रोग्राम निकला था सर्चिंग के लिए नक्सल क्षेत्र में, तो जंगल क्षेत्र में सर्चिंग करने के दौरान नक्सलियों के ग्रुप से आमना सामना हुआ और गोदरी पार्टी जो हमारा था उसके साथ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। वहाँ से नक्सलियों के दलम ने गोलियाँ चलाई। ऐसा अभी हम लोग भी मौके पर गए थे और हमारी जो बाकी टीम थी वो भी लगातार वहाँ पर सर्चिंग कर रही थी। हमारे एक साथी को गोली लगने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, इस कारण से और भी हम लोगों ने चार पार्टियाँ और जंगल क्षेत्र में डाली हैं। जो साथी है जिसको गोली लगी है वो अभी सुरक्षित हैं और उनको अस्पताल में। किस जगह पे गोली लगी उनके? उनके मैंने अभी सामने से तो देखा नहीं, पर तब तक वो उनको इवैक्यूएट कर लिया गया था, पर गर्दन में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गोली लगी है, आई थिंक लेफ्ट साइड में। सर कुछ राउंड फायर फायरिंग कितनी? हाँ, दोनों तरफ से राउंड्स फायर हुए हैं। अभी जब हमारी पूरी पार्टी एक बार कैंप में एकत्रित होगी तो उसके बाद हम लोग उसका विगिनती करेंगे कि किसने कितने राउंड फायर किया। कितने नक्सली थे ऐसा कुछ? अभी काफ़ी सघन क्षेत्र है, फिर भी 10 से 12 नक्सली होने की हमें संभावना प्रतीत हो रही है। सर दलम कोई? दलम मलजखंड और ताड़ा में से दोनों का भी संगम हो सकता है। मलजखंड होने की ज़्यादा संभावना है।